मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की सुबह की चाय हो गई होगी, वैसे हो ही गई होगी जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे। हमें काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, काफी दिन हो गए हमें रुके हुए। बहुत दिन हो गए, ऐसा लग रहा है कि हमारा ये दूसरा गोवा जो है ना, दूसरा टाउन हो गया हमारा। बहुत दिन हो गए। तो ये है कशिश का आज का आउटफिट, बहुत ही गर्ली सा आउटफिट है ये, क्यूट सा पोलका डॉट, और ये मैंने पसंद किया था कशिश के लिए। इसमें और भी डिज़ाइंस थे लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा पोलका डॉट क्यूट लग रहा था, और इसकी बैक बहुत प्यारी सी है। और ये है मेरा आउटफिट आज का, मैंने पहना है रोमपर। बहुत प्यारा लग रहा है मम्मी यहाँ पे, है ना, कलरफुल है ना ये काफी। बहुत प्यारा है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूँ, जब आप ऐसे लाइनिंग वाले कपड़े पहनते हैं ना, जो कि लंबाई में ऐसे लाइनिंग होते हैं, तो आप पतले लगते हो। कभी आप लोग ट्राई करना तो आप पहले से ज्यादा पतले लगोगे। बट वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। ऐसी वाली लाइंस होंगी जो तो मोटे लगते, तो मोटे लगोगे, लेकिन लंबी लंबी होंगी ना तो आप पतले लगोगे। तो हम दोनों तो रेडी हैं आज के दिन के लिए। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने तो बाल स्ट्रेटन किए हैं आज, तो टाइम लग गया था थोड़ा सा, बट आई डिड इट बिकॉज मैंने पूरे ट्रिप में नहीं किए थे, तो मैं सोचा चलो एक दिन तो कर ही लेती हूँ। स्ट्रेट बाल तेरे पर अच्छे भी बहुत लगते हैं। हाँ, तो ये दो दिन तक रह भी लेते हैं तो काम भी चल जाएगा। बीच पे ना जाओ, बीच पे आज मैं जाऊंगी तो पूरा ही गर्ली होने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अभी लंच भी नहीं किया है, टाइम हो रहा है 1 o'clock के अराउंड, तो ब्रंच ही करने वाले हैं ऑलमोस्ट हम लोग। और हम लोग ब्रंच करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर पर्पल मार्टिनी, जो काफी फेमस है नॉर्थ गोवा का। किसी ने बोला भी था पर्पल मार्टिनी, हाँ किसी ने रिकमेंड भी किया था कि पर्पल मार्टिनी जाना आप लोग, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। वो बीच कौन सा है, और अंजुना बीच हम लोग इस ट्रिप में अभी तक नहीं गए हैं, और वो भी बहुत ही फेमस बीच है जो सबको ही पसंद आता है। तो आज हम अंजुना बीच भी जाएंगे और साथ में पर्पल मार्टिनी भी चले जाएंगे, और बस यही है दिन के प्लान। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। वैसे तो ये हमारा लास्ट डे है इस होटल में, लेकिन कल हम मूव कर रहे हैं यहाँ से पंजी के लिए। कुछ बोलते हैं पंजी, कुछ लोग बोलते हैं पंजिम, तो मुझे पंजिम बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैं हम लोग कल यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे पंजिम के लिए, वहाँ पर हमारी बुकिंग है 3 to 4 days के लिए। उसके बाद हमें सनग्लासेस देगा, हम लोग चले जाएंगे दिल्ली वापस घर। बट अभी भी काफ़ी टाइम है, तो मैं ऐसे नहीं सोच रही कि अब ट्रिप खत्म हो गया, हर दिन तब भी हम लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं। और सारे बहुत कूल लग रहे हैं वैसे ये सन ग्लासेस, यहीं से तो लिए थे, बाजार यहीं से लिए थे, मुझे समझ नहीं आए थे उस टाइम, बट आज में भी वर्क कर जाएगा उसके साथ। थोड़े रेट्रो टाइप लग रहे हैं, तो उसके डॉट्स भी थोड़े रेट्रो होते हैं ना, तो थोड़ा रेट्रो थीम है आज मेरा। लिफ्ट तो कर दो प्रेस। तो गोवा में हम गोवा माइल्स के थ्रू ही हर जगह गए हैं, काफ़ी इजी और कन्वीनियंट रहा है हमारे लिए, और धूप भी नहीं लगी है। तो हम लोगों को जाना तो था अंजुना बीच, लेकिन प्रशांत ने गोवा माइल्स पे ये लोकेशन टैग कर दी थी, तो हम लोग आ चुके हैं वेक्टर बीच। तो गाइज ये है वेक्टर बीच। वेक्टर बीच बहुत सुंदर बीच है और काफ़ी क्लीन भी है, कम क्राउडेड है, और पता है यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि खाली बागा पर ही होते हैं, यहाँ पर भी आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना ही लंच किया था, तो भूख तो काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो वेक्टर बीच पर एक फेमस और काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई थी ऑलिव किचन एंड गार्डन, तो हमने सोचा वहाँ पर जाकर लंच कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर हर जगह के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है, वरना आपको प्लेस नहीं मिलती है। Sold out है? Just made a booking under the name of Simone for it. तो यहाँ पर ये sold out वाला चक्कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये वो वाला बीच को भी तो कहीं ऐसा तो नहीं, वो करना होगा।
इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, मैं क्या बताऊँ, गला ना दो दो मिनट में सूख जाता है, तो नारियल पानी पीना बेस्ट ऑप्शन है ऐसे टाइम पर। वेगेटर बीच, मम्मी डैडी ये वेगेटर बीच वैसा नहीं लगता, एलिगेटर बीच जैसा। एलिगेटर बीच, हाँ। वेगेटर, एलिगेटर। तो गाइस अभी हुआ क्या है कि हम लोग गए थे कौन से में, ओलिव ओलिव गार्डन करके है या रेस्टोरेंट है जो भी है, एंड ओलिव बार है समथिंग। तो वहाँ पे बुकिंग करनी पड़ती है, रिजर्वेशन करना पड़ता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी लेकिन उनके पास कोई टेबल ही नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे एक शैक है वेक्टर बीच पे ही, हमने कहा भूख लग रही है क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया था, हमने सोचा था वहाँ पे पहुँच के करेंगे। जैसे मुझे स्प्राइट मिली मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे स्प्राइट बहुत पसंद है। अब मम्मी को क्या मिली है, पेप्सी। मम्मी का मूड ऑफ हो गया क्योंकि उन्हें यहाँ पे नहीं खाना था, पर हम क्या कर सकते, कभी कभार अनप्लान चलना पड़ता है और कभी कभार अनप्लान चीज़ें हो जाती हैं, है ना। और प्लस हम लोग लेकिन से हर आगे मैंने बहुत सारे चीज़ें जो है प्लान करके चली है, तो हम लोगों के साथ ये हर दिन नहीं होगा। पे चल रहा है दोनों का शूट। गोवा हो चुका है हमारा सेकंड होम, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं आ रहे वापस गोवा से, यहीं पर अपना घर बना लेते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं। बहुत मन लग रहा है हमारा यहाँ पर। इधर है केकड़ा, वो देखिए ये किस्म केकड़ा, ओ कैसे दो दो केकड़े। तो गाइस ये था वेक्टर बीच, आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में, और मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर जाना यहाँ पर। और अभी हम लोग निकल रहे हैं इवनिंग में सनसेट व्यू देखने के लिए अंजुना बीच, और आज मैं आप लोगों को इतना ब्यूटीफुल सनसेट व्यू दिखाने वाली हूँ ना कि आप लोग भी याद रखोगे कि क्या रीमा ने इतना प्यारा सा सनसेट व्यू दिखाया है। आज हम लोग जा रहे हैं ना जहाँ पर, वहाँ पर खाना, सनसेट व्यू और साथ में म्यूज़िक, इन तीनों का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो अभी मुझे ये वाली स्लीपर्स पसंद आई हैं, तो मैंने बोला है मेरा साइज़ निकालने को। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी हैं, ब्लैक मैडम सही ग्रे में मिल जाएगी। हेलो पापा मिला वो दूसरा वाला, वही कलर चाहिए। ये पिंक में मिलेगी, फिर कलर मेरा नहीं है साइज, वही से वो एक ही पीस है लास्ट। मेरा मन था कि मैं आप लोगों को गोवा के फेमस मार्केट भी दिखाऊं, लेकिन समहाउ कुछ मार्केट्स जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जैसे कि अंजुना बीच पर भी एक बहुत ही अच्छा मार्केट लगता था, लेकिन वो सारे मार्केट पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बंद किए हुए हैं जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना बढ़े एक जगह पर। अभी हम लोग हैं अंजुना बीच पर, मैं आप लोगों को सारे बीचेस घुमा रही हूँ गोवा के, तो इसी बात पर लाइक तो ज़रूर कर देना आप लोग। सनसेट पॉइंट के पास में इधर है ये बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है। हम फाइनली अंजुना बीच पे आ चुके हैं और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगेन गोवा का बहुत ही फेमस बीच है अंजुना बीच, जहाँ पर हर कोई जाता ही जाता है। और यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी सी लेन है जहाँ पर बहुत सारे
रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप सनसेट इंजॉय कर सकते हो विद गुड म्यूज़िक और विद गुड एम्बियंस। लेकिन हम लोग जा रहे हैं पर्टिकुलर पर्पल मार्टिनी जहाँ की एम्बियंस, वहाँ का म्यूज़िक और खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग भी इंजॉय करोगे मेरे साथ, ये मैं पक्का कह रही हूँ। और इसी रास्ते पर बहुत बड़ा वाला मार्केट भी लगा हुआ था कपड़ों का और सामान का, जहाँ पर आपको गिफ्ट, कपड़े और शॉपिंग का बहुत सारा सामान दिख जाएगा। अगर आपका मन है तो वो भी आप खरीद सकते हो रुककर। बहुत सारी शॉप है, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था ये मार्केट, तो मैं तो इसे लौटकर एक्सप्लोर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हो रहे थे 5:30 के अराउंड और मुझे देखना था सनसेट व्यू, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। जितनी जल्दी मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उतनी अच्छी मैं सीट ले पाऊँगी, इसी वजह से मैं नहीं रुकी इस मार्केट में। अदरवाइज मार्केट बहुत ही अच्छा है। तो पापड़ बेलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी राइट प्लेस। अब यहाँ पर ये मनाना कर दे वरना बहुत तेज लगने वाला गुस्सा। पर्पल मार्टिनी की सनसेट व्यू और इतना अच्छा म्यूजिक कि मैं क्या बताऊं। आप लोग एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप वीकेंड वाले दिन जा रहे हैं तो पहले से ही कंफर्मेशन लेकर जाएं। सनसेट व्यू पसंद आया हो और वीडियो पसंद आई हो, ये प्लेस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊं।
किया है, इस टाइप का फूड ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है। टिपिकल इंडियन फूड अगर आप ट्राई करोगे तो वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी टाइप का कोई भी स्नैक्स आइटम मंगा सकते हो, जैसे कि ये बर्गर बहुत ही टेस्टी थे। मैंने अपने लिए हरा भरा मतलब वेजिटेबल वाले बर्गर मंगाए थे, और प्रशांत ने ट्यूना फिश का मंगाया था। वो प्रशांत कशिश को भी ट्राई करा रहे थे कि तुम भी टेस्ट करके देखो, ट्यूना फिश वाला बर्गर बहुत टेस्टी है। वेल कुक्ड था और स्मेल भी नहीं आ रही थी। गाइस, आई डोंट नो लाइट कैसी आ रही है, लेकिन बहुत थक चुके हैं, थके हुए चेहरे हम लोगों के। फाइनली हम लोग निकल लिए वहाँ से। वहाँ पे बिल्कुल माहौल हो रहा है, अभी भी कोई निकलने का कोई मो नहीं है। मज़ा आया लेकिन बहुत अच्छा था, वाइब वहाँ की बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको बहुत ही लाइव और अच्छी मतलब जगह पे जाना है, वाइबी जगह पे जाना है, तो पर्पल मार्टिनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड बाकी हमने देखा नहीं यहाँ पे, बट आई गेस यहाँ पे काफ़ी सारे वो हैं क्या होता है रेस्टोरेंट्स जिसमें आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं सनसेट्स के, मतलब सनसेट के साथ बैठ के खा सकते हो। यूजली पर्पल मार्टिनी काफ़ी भरा रहता है, एंड देयर इज़ नो रिजर्वेशन आइदर। आई थिंक टेबल्स आप बाहर की रिजर्व कर सकते हो, बट अंदर की नहीं कर सकते हो, मतलब जो रेस्टोरेंट की होती है। तो ओवरऑल आपको आप सही टाइम पे आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, तब आप बैठ के सनसेट इन्जॉय कर सकते हो। हमने तो बोला था ना, मम्मी दो तीन बार बोलता भैया कुछ हो रहा है तो कर लो, तो दूसरी बार में उसने बोला जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग, और उसके बाद हमारे पीछे उन्होंने लाइन बंद कर दी। जैसे ये एक और अच्छा सा लग रहा है, बट ये रात में कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ऐसी जगह पसंद है, आपको भी अपने फ्रेंड के साथ वाइब करना है, तो आ सकते हो आप आराम से। थोड़ा क्राउडेड है, बट आपको सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा वहाँ से। तो बस यही था अभी के लिए इतना अपडेट। बाकी अंजुना बीच का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए खरीद के लेके जा सकते हैं। बस यही था आज का व्लॉग, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।